हरियाणा विधानसभा चुनाव के तहत 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही पोलिंग टीमों के मतदान केंद्रों के लिए रवाना होने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल यानी 5 अक्टूबर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। और वहीं फिलहाल मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 14 गर्ल्स कॉलेज में, जहां पर अभी सभी पोलिंग जो पार्टियां हैं वो यहां पर मौजूद हैं। और जिला निर्वाचन जो अधिकारी हैं निशांत कुमार यादव, जो कि गुरुग्राम के जिला उपायुक्त भी हैं, वो यहां पर पहुंच गए हैं। और ऐसे में सभी जो ये पोलिंग पार्टियां जो हैं वो बैठी हैं, तो ऐसे में इनको ट्रेनिंग जो है वो फिलहाल दी जा रही है कि आखिरकार अभी कुछ ही देर बाद जब यहाँ से ईवीएम जो है वो जाएगी और उन बूथों पर पहुंचेगी और संगीन के साए में जो है उनको रखा जाएगा। और फिलहाल बात करें कल सुबह 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू होगा, और ऐसे में अब इनको ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। और सारी जिस तरीके से जो जो चीजें अंदर अलाउड नहीं है वो सब जो है इनको बताया जा रहा है कि किस तरीके से काम जो है वो होगा। वहीं बात करें तो लगातार जिस तरीके से गुरुग्राम में तकरीबन 19 के करीब जो कैंडिडेट हैं वो मैदान में हैं। और गुरुग्राम जिले की अगर बात करें तो गुरुग्राम जिले में 4 विधानसभा हैं, जिसमें गुरुग्राम, पटौदी, बादशाहपुर और सोना 1507 बूथ जो हैं वो टोटल बनाए गए हैं। और फिलहाल गुरुग्राम विधानसभा की अगर बात करें तो गुरुग्राम विधानसभा में 350 से ज्यादा जो बूथ हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ अति संवेदन और संवेदनशील जो बूथ हैं वो भी बनाए गए हैं, और पिंक बूथ, यूथ बूथ जो है वो भी बनाए गए हैं। और लगातार जो गुरुग्राम जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो इससे पहले बैठक जो है अधिकारियों के साथ लेते हुए नजर आए कि ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी जो है वो मतदान जिस दिन होना है उस दिन कोई भी असुविधा जो है ना हो। और ऐसे में अब आज ईवीएम जो है बूथों पर पहुंच जाएगी और कहीं ना कहीं कल जब मतदान होगा उसके बाद ही जब लोग किस उम्मीदवार की किस्मत को ईवीएम में कैद करेंगे, ये जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा किसको जीत का ताज जो है वो जनता पहनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से कैमरन मोहित के साथ आकाश खुराना।